हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे इस साल की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड फिल्म ऑफ द ईयर, वरुण धवन एंड सारा अली खान स्टार कूली नंबर वन। जो कि 1995 में आई गोविंदा एंड करिश्मा कपूर स्टारर की कॉपी है, जो कि अपने टाइम की एक सुपरहिट फिल्म थी। पता नहीं क्यों डेविड धवन अपनी 90s की सारी फिल्मों को रिमेक कर इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, और ऊपर से वो अपने बेटे वरुण धवन को फिल्म में कास्ट कर लेते हैं जो एक्टिंग के नाम पर सिर्फ अब ओवर एक्टिंग ही करते हैं। 1995 की फिल्म कूली का सुपरहिट होने का सबसे बड़ा रीज़न था सभी कैरेक्टर का दमदार परफॉर्मेंस, और यहाँ गोविंदा के रोल में वरुण धवन बिल्कुल भी सूट नहीं होते हैं और एक्टिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग करते ही नजर आते हैं। कादर खान की जगह तो यहाँ पर कोई ले ही नहीं सकता था, और परेश रावल ने भी अपनी एक्टिंग से सबको निराश किया है। डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर डेविड धवन ने बहुत ही घटिया डायरेक्शन किया है, उन्हें इतना तक नहीं पता कि एक कूली और सुपरमैन में क्या फ़र्क होता है। और वरुण धवन के तो क्या ही कहने, वो इस फिल्म में तो सुपरमैन का रोल भी कर लेते हैं। डायलॉग्स यहाँ फराज सामजी ने लिखे हैं जो कि बहुत ही घटिया लिखे हैं। आप अगर अपने दिमाग की सारी पावर भी यूज़ कर लेंगे तो भी आपको पूरी तरीके से डायलॉग समझ में नहीं आएंगे। बात करें सभी कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया है, और सारा अली खान को इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा गया है, एक्टिंग तो उनसे आती ही नहीं। इन दी लास्ट मैं अपना कीमती टाइम इस फिल्म पर बर्बाद कर चुका हूँ, आप अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अगर आपको फिल्म देखनी है तो 1995 की कूली नंबर वन देख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेटिंग ये फिल्म बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा एक बड़ा सा जीरो। अगर आपको मेरा रिव्यू ज़रा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अदनान खान, आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।